वेलकम टू कुकिंग शुकिंग विद प्रिया। आज हम बनाएंगे साबूदाने की खिचड़ी। तो एक ट्रिक मैंने बताई है कि साबूदाने के जो दाने हैं कैसे खिले खिले बने हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक कप हमने ये साबूदाना लिया है। ये साबूदाना जो है ये खिचड़ी के साबूदाने हैं। इसमें बड़े साबूदाने भी आते हैं जो कि हम फ्राई करते हैं, लेकिन जब हमें खिचड़ी बनानी हो तो इस तरह थोड़े छोटे साइज के साबूदाने आते हैं वो हमें लेने होते हैं। अब हमें इन्हें वॉश करना है, तो थोड़ा सा पानी हम इसमें डालेंगे। अच्छे से हाथ से हम इसको मिक्स करेंगे और फिर इसका पानी निकालेंगे। तो 2 से 3 बार हमें इनको इस तरह करना है। अब जो है इसमें मैं और पानी डालूंगी, इसको और वॉश करेंगे। जितनी बार हम वॉश करेंगे इसका जो पानी है वो बिल्कुल क्लियर आने लग जाएगा। अभी आप देखें इस तरह का पानी है, बिल्कुल साफ पानी नहीं है। जितनी बार हम इसको वॉश करेंगे उतनी बार जो इसका पानी साफ होता जाएगा। तो आप देख सकते हैं साबूदाने को मैंने 4 से 5 बार वॉश कर लिया है, बिल्कुल क्लीन हो गए हैं। अब इसको हमें भिगोना है। तो भिगोने के लिए बहुत से लोग क्या करते हैं, ऊपर तक यहाँ तक का पानी इसमें भर देते हैं, लेकिन इसमें हम ज्यादा पानी नहीं भरेंगे, बिल्कुल जरा सा पानी हम डालेंगे। क्योंकि जब अभी हमने 3 से 4 बार इसको वॉश किया था तो पहले से ही ये पानी ले चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल हमें जरा सा ही पानी डालना है, बस इतना ही पानी हम डालेंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए, ज्यादा हमें ऊपर तक भरना नहीं है इसको। तो इसको अब हम ढक के रख देते हैं 1 घंटे के लिए। 1 घंटे बाद हम इनको वापस चेक करेंगे। 1 घंटा हो गया है, तो चलिए अब हम खोल के देख लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा जो है साबूदाना हमारा खुल कर तैयार हुआ है, कहीं पे भी पानी नहीं है और एक एक दाने दाने हमको दिख रहे हैं। ये देखिए इस तरह हमें इसको गलाना है, जिस तरीके से मैंने आज आपको बताया था आप उसी तरीके से इसको गलाएं, जिससे साबूदाने हैं बिल्कुल इस तरह बिखरे बिखरे मोती के दाने के जैसे आपको नजर आएंगे। 2 बारीक कट किए हुए हमने लिए हैं टमाटर, 2 बारीक कट की भी हमने लिए हरी मिर्च, 1/2 कप हमने लिए हैं मूंगफली के दाने और 2 मीडियम साइज के आलू को हमने बॉईल करके इनको कट कर लिया है। तो चलिए अब हम खिचड़ी बनाना शुरू करते हैं। गैस की फ्लेम को हमने फुल कर रखा है और गैस पे मैंने एल्युमिनियम की कढ़ाई रख दी है और 2 से 3 टेबल स्पून मैंने इसमें घी एड किया है। जो मूंगफली के दाने हमने लिए हैं वो इसमें हम डालेंगे और इनको भूनेंगे। गोल्डन ब्राउन कलर का होने तक हमें इनको भूनना है। थोड़ी सी गैस की फ्लेम हम कम कर देते हैं ताकि जो है अंदर से कच्चापन नहीं रहे मूंगफली में। यदि फुल फ्लेम पे ही भूनेंगे तो कलर तो अच्छा आ जाता है लेकिन जो है अंदर से ये कच्चे रहते हैं, तो हमें क्या करना है कम फ्लेम पे इनको भूनना है। इनको हमने भून लिया है, तो चलिए अब हम निकाल लेते हैं। इस तरह सारी मूंगफली को हम निकाल लेंगे। अब गैस की फ्लेम को हमें करना है फुल और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे जीरा, थोड़ी सी हम डालेंगे अदरक, जो हमने हरी मिर्च कट की थी बारीक वो भी हम डालेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसको हमें चलाना है ताकि अदरक का जो है कच्चापन वो निकल जाए। जो हमने टमाटर कट किए थे वो भी हम इसमें डाल देते हैं और 2 से 3 मिनट तक हमें इनको पकाना है, ज्यादा नहीं पकाना है हमें। अब जो हमने आलू उबाले थे वो इसमें हम डाल देते हैं और 2 से 3 मिनट तक इनको भी हम पका लेंगे। अब हमें डालना है साबूदाना जो हमने भिगोया था, वो सारा हम इसमें डाल देंगे और हम डालेंगे 1 टीस्पून सेंधा नमक और 1 टीस्पून ही हम डालेंगे काली मिर्च पाउडर और अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपके जो साबूदाने हैं बिल्कुल भी लगेंगे नहीं, यानी कि तल्ले पे चिपकेंगे नहीं। हमने जो मूंगफली भुनी थी वो भी इसमें हम डाल देते हैं और फिर से एक बार हम चला लेंगे। अब एक खास चीज जो है हमें इसमें ऐड करनी है वो है लेमन जूस, यानी कि नींबू का रस। तो 1/2 टीस्पून में इसमें नींबू का रस डालूंगी, ये रस डालना बहुत ही जरूरी है। डाल देते हैं और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, इससे जो है साबूदाने हमारे चिपकेंगे नहीं। और अब हम करेंगे धनिया पत्ती से गार्निश। तो साबूदाने की खिचड़ी जो है हमारी बनकर तैयार हो गई है। गैस की फ्लेम को हम कर देते हैं बंद और एक बार सभी को कर लेते हैं मिक्स। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी जो है ये तल्ले पे लगे नहीं है और बिल्कुल खिले खिले बने हैं। ये देखिए एक एक दाना दिख रहा है हमें। तो इन्हें अब हम प्लेट में सर्व करेंगे। बहुत ही अच्छी साबूदाने की खिचड़ी बनकर तैयार हुई है। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी जो है चिपके नहीं है, खुले खुली जो है हमारी खिचड़ी बनी है। यदि आप मीठा खाना पसंद करते हैं तो जब हमने लेमन जूस डाला था उससे पहले आप चाहे तो
1 टीस्पून इसमें पीसी हुई शक्कर भी डाल सकते हैं। नॉन स्टिक पैन में तो बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं, लेकिन आज आपने देखा कि इसको मैंने एल्यूमिनियम पैन में बनाया था, तो एल्यूमिनियम की कढ़ाई में भी जो है बिल्कुल भी नहीं लगे हैं। बहुत ही अच्छी खिचड़ी हमारी बनकर तैयार हुई है, बिल्कुल जो है खुली खुली खिचड़ी हमारी बनी है, आप देख सकते हैं एक एक दाना जो है इसमें दिख रहा है। खिचड़ी बनाते समय हमें इतना ही ध्यान रखना है कि जब हम इसको पानी में भिगोएंगे तो 3 से 4 बार हमें इसको अच्छे से वॉश करना है, फिर थोड़ा सा पानी डाल के ही हमें इसको 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देना है। और मूंगफली भी जब हम फ्राई करेंगे तो कम फ्लेम पे हमें इसको फ्राई करनी है, नहीं तो ऊपर से कच्ची रह जाती है। जरूर आप इस रेसिपी को ट्राई करना और कमेंट करके बताना कि आपने जो खिचड़ी बनाई वो कैसी बनी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। यदि आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना न भूलें। मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।